हम एक ऐसा मुद्दा उठाना चाहते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, हमारे अपने देश का है, आपके और हमारे बीच का है, और हम कभी इसके बारे में बात तक नहीं करते। अब हम आपकी सुरक्षा के लिए एक जरूरी विश्लेषण करेंगे। आज हम सड़कों पर रॉन्ग साइड वाले एक्सीडेंट के खतरों से आपको सावधान करेंगे। इसी महीने की 17 तारीख को दिल्ली के पास एक 40 साल का पायलट अपने घर जा रहा था, तभी रॉन्ग साइड पर चल रहे एक ट्रक ने उस पायलट की गाड़ी को कुचल दिया। दुर्घटना के बाद अब उस कार का सिर्फ आधा हिस्सा ही मौजूद है, और इससे आप इस भीषण दुर्घटना का अंदाजा लगा सकते हैं। इस कार को आप ध्यान से देख लीजिए, बड़े पर्दे पर देख लीजिए। अब इस कार की स्थिति ऐसी है, सोचिए उस ट्रक ने कितनी तेजी से इस कार को टक्कर मारी होगी और कैसे इसको कुचला होगा, और इसमें बचने वाला जो व्यक्ति जो रहा होगा उसके बचने की तो कोई संभावना है ही नहीं। गाड़ी को आप देख लीजिए, इस गाड़ी में जो भी रहा होगा वो बच नहीं सकता, और इस दुर्घटना में इस पायलट की भी मौत हो गई। और उनके परिवार की ये तस्वीरें देखकर आपको भी आज दुख हो रहा होगा, लेकिन ऐसी तस्वीरें हर दिन भारत के अलग अलग शहरों में, अलग अलग मोहल्लों में, गांवों में आपको देखने को मिलती रहती हैं। वर्ष 2019 में पूरे देश में लगभग 4.5 लाख दुर्घटनाएं हुई, और इन दुर्घटनाओं में 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। 1.5 लाख लोग हर साल सड़क दुर्घटनाओं में हमारे देश में मारे जाते हैं, और इस मामले में हम पूरी दुनिया में नंबर एक पर हैं, चैंपियन है पूरी दुनिया के। इनमें से 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत की वजह थी रॉन्ग साइड पर ड्राइविंग। यानी 9,000 लोग तो सिर्फ इसलिए मरे क्योंकि वो रॉन्ग साइड पर या तो खुद ड्राइव कर रहे थे या रॉन्ग साइड पर ड्राइव करने वाला व्यक्ति उनसे टकरा गया। इसका मतलब है कि हर दिन रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से 24 लोग मारे जाते हैं। दुख की बात यह है कि हमारे देश के लोग इन सारी बातों को जानते तो अच्छी तरह से हैं, लेकिन मानते कभी नहीं। वो अक्सर चालान कटने के डर से, कभी जल्दबाजी की वजह से, कभी हेलमेट पहनने की औपचारिकता पूरी तो कर लेते हैं, लेकिन कभी भी दिल से नियमों का पालन नहीं करते, और नियमों के उल्लंघन की वजह से अपनी जान खतरे में डालते हैं और दूसरों की भी। सड़क पर ड्राइविंग करते समय कई लोगों को लगता है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। आज हमने आपके लिए इस महत्वपूर्ण विषय पर आज एक रिपोर्ट तैयार की है, और हमें उम्मीद है कि यह विश्लेषण भारत की लापरवाह सोच को बदलने में शायद कुछ मदद करे। एक माँ क्या कहेगी जिसका जवान बेटा चला गया दूसरे की गलती की वजह से? अगर वो गलत ना होता तो हमारा बच्चा मेरे साथ होता आज। हमारी जिंदगी में सन्नाटा मच दिया उस आदमी ने जिसने ये सब किया है। पता नहीं उसने कितना दर्द सहा, कैसे इसके दर्द में प्राण निकले होंगे। मैं ये गुड़गांव के अनमोल वर्मा का परिवार है। एक सड़क हादसे में रॉन्ग साइड पर चल रहे एक ट्रक ने उनकी जान ले ली। ये एक्सीडेंट उनकी बुजुर्ग माँ, पत्नी और 4 महीने के बेटे के लिए जिंदगी भर का गम लेकर आया है, और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कई जिंदगियों के लिए बहुत भारी पड़ती है। सबसे पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। जो रोड रूल्स हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि हमने जो जिस इंसान को खोया है वो वापस नहीं आ सकता, और वो सिर्फ नेग्लिजेंस के ऊपर एक पूरा इंसान ख़त्म हो गया। जो भी मुझे कॉल्स आए और बार बार जो बात हो रही थी वो यही हो रही थी, हम लेके जा रहे हैं, हम लेके जा रहे हैं, हम लेके जा रहे हैं। बट आई नो बहुत डिस्कशंस चल रहे थे वहाँ पे, आई कुड हियर वॉइस। तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि टाइम और इस तरह किसी को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, वो भी इंसान ही है। एक ट्रक ने यातायात के नियमों की अनदेखी की, और उसका नतीजा ऐसे परिवारों को भुगतना पड़ता है। 17 जनवरी की रात को अनमोल वर्मा दिल्ली से गुड़गांव लौट रहे थे। ट्रक के साथ हुए भीषण एक्सीडेंट की वजह से उनकी कार का आधा हिस्सा बुरी तरह से कुचल गया, और वो अपनी कार में ही फंस गए। वक्त पर इलाज न मिलने की वजह से अनमोल वर्मा की मौत हो गई। सड़क पर अपना थोड़ा सा समय बचाने के लिए रॉन्ग साइड चलने वाला आदमी एक सुसाइड बॉम्बर की भूमिका में होता है। जी हाँ,
सुसाइड बॉम्बर, इसलिए क्योंकि न तो उसे अपने जान की परवाह है और न ही किसी दूसरे के जान की कीमत है। जिस तरीके से ये पहिया इस डिवाइडर के ऊपर चढ़ गया है और इस कार की जो हालत है उससे आप ज़रा अंदाज़ा लगा लीजिए कि टक्कर कितनी ज़बरदस्त थी, कि इधर से आने वाली यानी कि डायरेक्शन इस तरफ की थी, जो फ्रंट था वो कार का वो इस तरफ का था। टक्कर के बाद ये कार पूरी की पूरी ऐसे घूम गई और डिवाइडर पे आके ऐसी खड़ी हो गई, इसका फ्रंट अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। ये घटना भी रोड एक्सीडेंट की एक आम घटना बन जाती अगर इसकी सच्चाई का पता नहीं चलता। इस दुर्घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, घटना की जांच शुरू हुई, सच्चाई का पता लगाने के लिए लोगों के बयान लिए गए, तब जाकर पता चला कि रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक की वजह से यह हादसा हुआ। एक टेक्निकल फैक्ट है, क्योंकि उस साइड से जब गाड़ी आती है, अगर गाड़ी 60 की स्पीड 70 की स्पीड में भी होगी और उधर से कोई दूसरी चीज़ आ रही है तो आमने सामने की जब उनकी स्ट्रेंथ मिलती है तो डबल हो जाती है। अगर ये 70-60 की स्पीड होगी उधर से, अगर वो 70 की 80 की स्पीड में होगा तो 140 के करीब हो जाता है और वो बहुत मतलब एक बड़ी लिमिट हो जाती है। इसी कारण पूरी गाड़ी को उन्होंने पूरी तरीके से क्रैक करके उधर धसा दिया। देश में सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण है रॉन्ग साइड से तेज रफ्तार में गाड़ी निकालने की कोशिश। कई बार ट्रक चालक सड़कों पर गलत दिशा में लापरवाही से गाड़ियां चला रहे होते हैं, इसी लापरवाही की कीमत दूसरों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। आज भी आप लोग जब अपने घर से बाहर निकले होंगे तो आपने सैकड़ों लोगों को रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हुए देखा होगा और आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया होगा, ना ही उन्हें रोकने की कोशिश की होगी, ना ही पुलिस से उनकी शिकायत की होगी। हम अक्सर ये बात करते रहते हैं कि भारत में असहनशीलता बढ़ती जा रही है, लेकिन भारत से ज़्यादा सहनशील देश कोई हो ही नहीं सकता। और आपने ये देख लिया होगा कि ट्रैफिक के नियमों को लेकर हम कितने सहनशील हैं। अब कोई व्यक्ति अगर ट्रैफिक के नियम तोड़ता है, रॉन्ग साइड चलता है, हेलमेट नहीं पहनता है या कुछ और ऐसी चीज़ करता है तो हमें एक बार को भी ये लगता ही नहीं कि ये व्यक्ति कानून तोड़ रहा है और हमें कुछ करना चाहिए। हमने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया है और इसी के साथ जीना हम सीख चुके हैं। इसीलिए हमारे देश में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं, उतने ही लोग जितने पिछले एक साल में कोरोना वायरस से मरे हैं। कोरोना वायरस को लेकर हमने शोर मचा दिया, वैक्सीन ले रहे हैं, लेकिन इस चीज़ की वैक्सीन कब आएगी इसका इंतज़ार हम सब कर रहे हैं।